भाग में हमने सबसे पहले तो प्रदेश के अंदर हमारे गांव के लोगों को जो दूर दराज जिनको राशन लेने के लिए जाना पड़ता था उनको उनके घर के आसपास राशन मिले इस प्रकार की हमने व्यवस्था की। और जो पहले 5 किलोमीटर के दायरे के बाद ही डिपो खुल सकता था उस व्यवस्था को बदला, अब 2 किलोमीटर के बाद दूसरा डिपो खुल सकता है और उसमें 1,000 की संख्या अब होने पर जो है डिपो खुल सकता है, जो कि पहले 1,500 की जनसंख्या के जिसमें क्राइटेरिया था, अब उसके कारण लोगों को काफ़ी सुविधा हो रही है और बहुत नए नए डिपो जो है आज लोगों को खूब मिल रहे हैं और जिसके कारण लोगों का समय भी बच रहा है और उनका धन भी बच रहा है। जो किराया जीप वगैरह उनको बार बार करनी पड़ती थी उससे भी उनको राहत मिली है। और साथ ही हमने जो हमारा PDS का सिस्टम है उसको और सुदृढ़ करने के लिए आँखों की स्कैनिंग के इंस्ट्रूमेंट लगाकर जो है जो हमारी EPOS मशीन्स होती हैं उनके साथ उसको जोड़ने का काम शुरू करेंगे, ताकि कभी कोई जो फिंगरप्रिंट उसमें लगाना पड़ता था उसमें भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आई स्कैन से ही वो काम चल पड़ेगा। और जैसे कोरोना जैसी ऐसी कोई स्थिति कभी बनती है उस स्थिति में भी बहुत बड़ा एक राहत जो है लोगों को मिलेगी, जो भय शंका और संभावना रहती है उससे भी मुक्ति मिलेगी और आई स्कैनिंग के माध्यम से ही उनको राशन जो है मिल जाएगा। और तीसरा जो काम हमने हमने प्रदेश के अंदर किया है, वन नेशन वन राशन कार्ड जो प्रधानमंत्री